कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग हल्द्वानी, देहरादून या फिर मैदानी क्षेत्रों की ओर जाते थे, पर अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में भी अब कैंसर का इलाज मिल सकेगा। जी हाँ, हम पहुँचे हैं अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में और यहाँ कैंसर रोग विशेषज्ञ राहुल सिंह की यहाँ तैनाती हुई है। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में। और आप यहाँ पे आए हैं तब से, कब से आए हैं साथी? तो कैंसर जो बीमारी है उसका आप यहाँ इलाज शुरू कर दिया है, उसके बारे में। जी, मेरी तैनाती 4 जनवरी को हुई है इसी महीने, और इससे पहले मैं देहरादून में कार्यरत था। और अभी तो बहुत बेसिक से चालू किया है, हमने OPD चालू करी है यहाँ पे। अभी ज़्यादा पेशेंट्स तो नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि कोई कैंसर विशेषज्ञ यहाँ पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में आया है। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो जिनको मैदानी क्षेत्र में जाना पड़ रहा है अपने इलाज के लिए, वो अब पहाड़ में भी इसकी सुविधा है, वो आ सकते हैं मेरे पास। और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसके लिए उनको मैदानी क्षेत्र में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पे उनके लिए, और जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसको दूर करने के लिए। सर, जैसे कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग जाते थे तो काफ़ी खर्च भी होता था, और काफ़ी जैसे कैंसर जो पेशेंट है उन्हें भी आने की ज़रूरत पड़ती थी, उनके लिए क्या? जी, मेरे पास तो जब मैं देहरादून में था, पिथौरागढ़ से भी कुछ पेशेंट्स आते थे, सिर्फ अपनी जो सिम्टोमेटिक, मतलब जैसे अगर दर्द हो रहा है उसकी दवाएं लिखवाने के लिए भी एक बस करके आते थे। बुज़ुर्ग दंपत्ति थे, उनको भी मैंने देखा था, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि उनको इतनी दूर से बस से आना पड़ता है। और लेकिन अब वही है कि अब कहीं ना कहीं जो दवाएँ हैं या जो भी बेसिक OPD से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अब यहाँ पर उपलब्ध होंगी। जो भी उनको हेल्प चाहिए उसके लिए मैं यहाँ हूँ। सर, एक चीज़ और पूछना चाहते थे हम आपसे, जैसे यहाँ पे कौन कौन से इलाज यहाँ पे वो कैंसर के यहाँ मिलेंगे? जी देखिए, आगे आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे अब कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, स्तन कैंसर हो गया, और महिलाओं में सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पुरुषों में मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और लंग कार्सिनोमा। इन सारी चीज़ों के लिए हम जो कीमो है उसको उपलब्ध कराएंगे आगे आने वाले समय में। और कीमो के लिए पेशेंट्स को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। सर, अभी रोज़ाना कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, मुझे अभी लगता है कि पेशेंट्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन उनको अभी पता ही नहीं है कि कोई कैंसर के लिए यहाँ पर किसी की तैनाती हुई कैंसर रोग विशेषज्ञ की। तो जैसे ही जागरूकता बढ़ेगी, पेशेंट्स OPD में भी बढ़ेंगे। अभी ज़्यादा नहीं, रोज़ के 1 या 2 पेशेंट अभी ऐसे OPD में आ रहे हैं। कैंसर जैसे बीमारी होती है, लोग बताने से भी डरते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? देखिए, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जो गलत धारणा है, कि ऐसा लगता है कि छुआछूत से भी होती है, या मोहल्ले में किसी को पता लगेगा तो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए, क्योंकि पेशेंट आपका अपना है, वो आपके अपने हैं, तो उनके लिए बिल्कुल, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, महिलाओं को कई बार ऐसा लगता है कि स्तन कैंसर गांठ होती है लेकिन वो बताने से डरती हैं, या नीचे के रास्ते उनको खून पानी आ रहा है वो भी बताने से डरती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, और क्योंकि इसका इलाज संभव है, आप समय पर आएंगे तो इलाज हो सकता है, लेकिन जहाँ एक बार थोड़ी देरी हुई, इलाज तब भी संभव है, लेकिन कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो बेहतर है आप पहले आएँ और उसका पूर्णतः इलाज पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर राहुल सिंह, जिनकी तैनाती हो चुकी है, और उनका ये भी कहना है कि जल्द ही मरीजों को कीमोथेरेपी के माध्यम से उन्हें इलाज दिया जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।